नमस्कार दोस्तों, मैं स्थिति श्रीवास्तव इंडिया में आपका स्वागत करती हूँ। भारत और इंग्लैंड के बीच चार टेस्ट मैचों की सीरीज़ का दूसरा टेस्ट मैच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जा रहा है। तीसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है और फिलहाल टीम इंडिया ड्राइविंग सीट पर है और इंग्लैंड पर हार का खतरा मंडरा रहा है। भारत वैसे तो मजबूत स्थिति में है, लेकिन और भी मजबूत स्थिति में तो होता अगर अक्षर पटेल की गेंद पर जो रूट को फील्डर अंपायर नितिन मेनन के चलते जीवन दान ना मिला होता। दिन के आखिरी ओवर की पहली ही गेंद पर अक्षर पटेल की गेंद पर रूट के खिलाफ जोरदार अपील हुई और अंपायर के नॉट आउट देने पर विराट कोहली ने DRS का इस्तेमाल किया। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन के अंत में मैदानी अंपायर से बहस करते हुए देखा गया था। कोहली के इस व्यवहार से उन पर अब एक मैच का बैन लग सकता है। कोहली अंपायर के फैसले पर आपत्ति जताते हुए दिन के अंत में काफ़ी झुंझलाहट में दिखे थे। दरअसल तीसरे दिन के आखिरी ओवर में अक्षर पटेल की गेंद पर इंग्लैंड के कप्तान चकमा खा गए और गेंद विकेट के पीछे खड़े ऋषभ पंत के दस्ताने में आ गया। इस दौरान गेंद बल्ले के बहुत करीब से निकलते हुए पैड को छू कर गया। फील्डिंग कर रहे भारतीय टीम के खिलाड़ियों को लगा रूट का बल्ला गेंद से लगा है और उन्होंने जोरदार अपील की, लेकिन अंपायर पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और उन्होंने कप्तान जो रूट को नॉट आउट करार दिया। बता दें गेंद विकेट पर लग रही थी, लेकिन अंपायर कॉल के चलते रूट को जीवन दान मिला और इस पर कप्तान विराट कोहली काफ़ी नाराज नजर आए। थर्ड अंपायर का फैसला आने के बाद विराट ऑन फील्ड अंपायर मेनन के पास पहुंच गए और उनसे बहस करते हुए नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है। मैच की बात करें तो भारत ने इस मैच में टॉस जीतकर पहली पारी में 329 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम 134 रनों पर ही सिमट गई। इसके बाद से चेन्नई की पिच की काफ़ी आलोचना हुई और कहा गया कि ये बल्लेबाजी लायक है ही नहीं। भारत ने दूसरी पारी में 286 रन बनाए, जिसमें आर अश्विन की 106 और विराट कोहली की 62 रनों की पारी शामिल रही। भारत ने इंग्लैंड को 482 रनों का लक्ष्य दिया है। जवाब में इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 53 रनों तक 3 विकेट गंवा दिए हैं। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।